आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सब झील तलैया ताल सूख गए और वृक्ष भी मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत को कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं और जो शेष बचे हैं वह भी मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आया है, वह पाताल के जल से सदा भरा हुआ रहता है, चलो वहीं चलें। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सभी हाथी वहां पर पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों के बल से वह बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों तले कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया और बहुत सारे यूं ही मारे गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले शत विशत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवास खरगोशों की स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट का उपाय सोचा गया। उन्होंने सोचा, आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब रोज इसी तालाब में आया करेंगे और बिलों को अपने पैर से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिन में सभी खरगोश का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श भी इतना भयंकर है जितना कि सांप का सूंघना, राजा का हंसना और मानिनी का मान। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें उस स्थान को छोड़कर अन्य देश चला जाना चाहिए, यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो जरूर कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम तो अपने माता पिता की भूमि को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों में से कोई चतुर दूत बनकर हाथियों के दलपति के पास जाए और वह उससे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है, संभव है कि चंद्रमा स्थित खरगोश की बात वह मान जाए। बहुत विचार के बाद लंबकर्ण नाम के एक खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहां मत आया करो। गजराज ने कहा, तू कौन है? लंबकर्ण, मैं चांद पर रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम मत आया करो। तब गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो इस समय वह कहाँ पर है? लंबकर्ण, इस समय वह तालाब में है। कल तुमने खरगोश के बिलों का नाश कर दिया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे उनके दर्शन करवा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे पर ले गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और वापस लौट गया। उस दिन के बाद से हाथियों का दल तालाब के किनारे पर कभी भी नहीं आया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश।